बारसूर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तहसील कार्यालय का निरीक्षण कर परिसर में पौधारोपण किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से राजस्व मामलों की जानकारी ली। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही मुख्यमंत्री के द्वारा वर्चुअल माध्यम से तहसील कार्यालय का शुभारंभ किया गया, जिसमें इंद्रावती नदी पार के पाहुनार, चीरपा, गुंडा और कौर गांव ग्राम पंचायत के लगभग 2000 लोगों को लाभ भी मिल रहा है। इस दौरान 3 हितग्राहियों को वनाधिकार पत्र, 2 हितग्राहियों को जाति प्रमाण पत्र सहित 2 हितग्राहियों को किसान किताब का भी वितरण हुआ। सबसे पहले यहाँ की जो बुढ़ा तालाब है उसे सौंदर्यीकरण करने की मैं घोषणा करता हूँ। उसी प्रकार से हमारे नौजवान साथी लोग बोले कि स्कूल है वो गीदम नहीं ले गया, भाई गीदम में खोले, आपको बारसूर चाहिए तो बारसूर में भी स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोलेगा, यहाँ भी शिक्षा अच्छे से हो, ये हम लोगों की कोशिश। और साथ ही यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो भी आवश्यक कदम है वो हम सब उठाएंगे। अभी जिस प्रकार से भाई कवासी ने जो बात कही कि ये जो सड़क है जो यहाँ से नारायणपुर, नारायणपुर से अंतागढ़, अंतागढ़ से राजहरा, राजहरा से दुर्ग, रायपुर यदि जाते हैं तो हमारे करीब 100 से 150 किलोमीटर हमारा बचत होता है, समय बचत होगा। और इस सड़क को जोड़ने में आप मुश्किल से 5 किलोमीटर का बचा है, ये सड़क भी जुड़ जाएगा तो कितना समय बचेगा, जो सीधा दुर्ग से चल के उसको न रायपुर आना पड़ेगा, न धमतरी जाना पड़ेगा, न कांकेर आना पड़ेगा, न जगदलपुर आना पड़ेगा, सीधा आपके बागसूर पहुंचेगा। हैरदल कस्बे के एक